रामनाथपुरम जो इंडिया के सबसे होली सिटियों में से एक है, चार धाम में से एक है रामेश्वरम टेम्पल। हाय, मैं हूँ बिनल। ये है पार्ट टू रामेश्वरम। पार्ट वन में हमने धनुषकोडी और पम्बन ब्रिज को एक्सप्लोर किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामेश्वरम टेम्पल, वहाँ के समंदर घाट, फूड, होटल और अब्दुल कलाम जी का मेमोरियल। हाउ वी फील इन टेम्पल, सो लेट्स स्टार्ट। कोई भी हिंदू अपनी लाइफ में एक बार तो रामेश्वरम जाने की कामना करता ही है, जिससे उनकी जीवन यात्रा पूरी हो जाए। टेम्पल की बात करें तो यह अद्भुत है। इट इज अ ब्यूटीफुल स्पेसिमेन ऑफ इंडियन कंस्ट्रक्शन आर्ट एंड कल्चर। इनका मेन एंट्रेंस चार है और वह 40 फीट ऊंचे हैं। मंदिर के अंदर 100 से भी ज्यादा पिलर हैं, जो देखने में तो एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन जब पास जाकर देखेंगे तो उनका डिफरेंट पता चलता है कि उनके ऊपर जो आर्ट किया गया है वह अलग अलग है। यहाँ अंदर जाके लोग भी नहाते हैं। पहले आता है हनुमान जी वाला शिवलिंग, जो वो लाने गए थे और जब तक वो नहीं आए उससे पहले सीता मैया ने शिवलिंग बना दिया था, तो वही शिवलिंग की यहाँ भी पूजा होती है, वही रामेश्वरम कहलाते हैं। अभी यहाँ का वेदर दिन में थोड़ी गर्मी और रात में ठंडा रहता है। रामेश्वरम के 64 धार्मिक कुंडों में से अग्नि तीर्थम एक अत्यंत व महत्वपूर्ण तीर्थम है, जहाँ रोज सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। प्राचीन साहित्य में इस जगह का कई बारी वर्णन किया गया है। किंवदंतियों के अनुसार सीता माता ने यहाँ राम के समक्ष अग्नि परीक्षा दी थी, इस वजह से इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम पड़ा है। इस कुंड में पूर्णमासी के दिन नहाना पवित्र माना जाता है। जैसे ही भगवान राम का पैर लगा तभी से यहाँ का समंदर बहुत ही शांत है। रामेश्वरम का यही पवित्र घाट है, जहाँ पे ये लोग समंदर में नहा के फिर सीधे जो यहाँ के 22 कुंड है वहाँ में वहाँ जाके उसमें फिर स्नान करते हैं और फिर अपने कपड़े सब चेंज करके फिर दर्शन करते हैं। बोलते हैं तभी भगवान की जो आस्था और भक्ति है वो तभी पूरी होती है। तो सभी लोग नहा रहे हैं और अच्छा है, यहाँ पे लोग ने नहाने के लिए पूरा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल देखने के लिए रामेश्वरम में, जो उनके डेथ के एक साल बाद उनका ओपनिंग किया था नरेंद्र मोदी जी ने। तो अभी जाके देखेंगे कि कैसा है। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम का घर भी रामेश्वरम में ही है। आज उनका घर एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये जगह वीकेंड्स पर बंद और वीकडेज में सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। यही है APJ अब्दुल कलाम जी का स्मारक, जो उनकी याद में बनाया था। वो यहाँ पे ही जन्मे थे। उन्होंने हमारे देश को बहुत सारा ज्ञान और मिसाइल्स और बहुत कुछ दिया है। वो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो उनकी याद में इतना तो बनता है। कैमरा सब अलाउड नहीं है, तो मैं यहाँ तक ही आपको दिखा सकती हूँ। अभी मैं अंदर जाऊँगी और उनकी यादें देखूँगी। मेमोरियल देखने के बाद हम चले होटल की ओर। हमने होटल मंदिर से 100 मीटर के अंतर पर ही ली थी, जिससे हम रात में या दिन में कभी भी आसपास की दुकानें, खाना पीना और मंदिर परिसर में टहलना सब नजदीक ही मिल जाए। हमें यहाँ पे अच्छा
लेकिन आज हमने बड़ा 4 बेड वाला लिया था। मंदिर के पास में ही बहुत सारे भवन हैं, जैसे कि गुजराती भवन, महाराष्ट्रीयन भवन, जो बहुत ही सस्ते और वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। होटल के बाद फिर हम सीधे चले खाने पीने की ओर। साउथ इंडियन फूड जितना टेस्टी और हेल्दी कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसे छोटी छोटी स्टॉलों में खाना बहुत ही टेस्टी और अच्छा लगता है। तो आइए चलिए टेस्ट करते हैं। ऑनियन उत्तपम रामेश्वरम से अभी निकले, पहले नाश्ता ही कर रहे हैं। सुबह लोकल यहाँ का सुबह सुबह अच्छा मिलता है, चटनी, ये आलू की सब्जी, सांबार, तो टेस्टी लग रहा है तो खा रहे हैं। अभी बहुत ही टेस्टी होता है, लोग का पानी जो बनाने का मेथड, प्योर लोकल टेस्ट। ये तो था रामेश्वरम, अभी हम जा रहे हैं मदुरई। सो वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।